सो गाइज वीवो एक्स होल्ड 2 अनबॉक्सिंग वीडियो लीक हो चुकी है बाय अ चाइनीज ब्लॉगर। अभी लॉन्च फोन हुआ भी नहीं एंड अभी से जो है अनबॉक्सिंग की वीडियो लीक हो चुकी है, सब कुछ वगैरह डिजाइन उसमें पता चल गया। एंड इस वीडियो में सबसे पहले डिजाइन से ही बात कर लेते हैं इस वीवो एक्स होल्ड 2 फोन के बारे में। तो यहाँ पे आपको रेड कलर में लेदर फिनिश वाला डिजाइन देखने मिलेगा रियर पैनल के ऊपर। एंड ये जो आपको डिजाइन देखने मिलेगा ये डुअल टोन में देखने मिलेगा। एंड साइड से आपको देख सकते हो ग्लॉसी लुक वाला रेस्ट ऑफ द पैनल आपको ग्लॉसी लुक में देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत ही बेहतरीन सा डिजाइन यहाँ पे कॉम्बिनेशन के साथ में बनाया गया है। एंड रियर पैनल पे आपको कैमरा मॉड्यूल राउंड वाला देखने मिल जाता है। बेसिकली इसके अंदर 3 कैमरास है, अभी आगे बात करेंगे। उसी के साथ में आपको जाइस की ब्रांडिंग देखने मिल जाती है एंड वीवो का लोगो देखने मिल जाता है। तो डिजाइन तो डेफिनेटली मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। एंड यहाँ पे जो फोन है ना काफी ज्यादा थिनर इस बार होने वाला है अगर हम कंपेयर करें पहले वाले फोल्ड से, तो इस बार डिजाइन जो है और भी बेहतरीन बनाया गया है। एंड गाइस यहाँ पे कैमरा की अभी बात आएगी तो इस फोल्ड एक्स 2 फोन के अंदर आपको देखने को मिलने वाले 3 कैमरा मॉड्यूल, जिसके अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX 866 कैमरा सेंसर देखने मिलने वाला है, मेन वाला जो रियर कैमरा है। उसी के साथ में आपको एक अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने मिलेगा एंड तीसरा वाला आपको टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाएगा। एंड एक और जो है वो आपको रिंग LED फ्लैश लाइट दी गई है जो कि इस बार की वीवो V27 सीरीज में आई है। ये मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी एंड इस बार आपको ऐसी कुछ LED फ्लैश देखने मिलने वाली है। एंड ये जो 50 मेगापिक्सल का सोनी का कैमरा है इसके अंदर आपको OISV सपोर्ट देखने मिलेगा, तो फोटोज क्वालिटी एंड वीडियोस की क्वालिटी भी काफी बेहतर होगी। बहुत ही तगड़ा सोनी के सेंसर जो है वो परफॉर्म करते हैं, तो डेफिनेटली कैमरा जो है काफी कमाल का होने वाला है। एंड गाइस डिस्प्ले की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको सैमसंग E6 AMOLED डिस्प्ले देखने मिलने वाली है जो कि 2K रेजोल्यूशन के साथ में आने वाली है। 120Hz का हाईएस्ट रिफ्रेश रेट आपको देखने मिलेगा इस फोन के अंदर। बाकी आपको पंच होल वाला नॉच देखने मिल जाएगा फ्रंट की साइड से। एंड डिस्प्ले क्वालिटी जो है काफी ज्यादा कमाल होने वाली है, कर्व एजेस आपको देखने मिलने वाले हैं। तो ये थे डिस्प्ले के स्पेक्स। बाकी इस फोन में आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट देखने मिलेगा जो कि प्लेस्ड है बोथ इनर साइड एंड इनसाइड स्क्रीन, आपको दोनों ही देखने मिल जाएंगे। एंड गाइस ये जो चीज है ना ये बहुत ही ज्यादा तगड़ी होने वाली है, फ्रंट पे भी आपको फिंगरप्रिंट देखने मिलेगा और इनसाइड स्क्रीन में भी आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस प्रोसेसर की बात करें यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। ये इस टाइम का सबसे तगड़ा प्रोसेसर है पूरे ही वर्ल्ड का एंड ये वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन है फोल्ड वाला जिसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर देखने मिलने वाला है। गेमिंग वगैरह जो है वो भी बहुत तगड़ी होगी, परफॉर्मेंस जो है इस चिपसेट की बहुत ही खतरनाक है। एंड गाइस यहाँ पे अंततः स्कोर जो है इस फोन के वो भी यहाँ पे लीक हो चुके हैं इंटरनेट पर, वो आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल जाएंगे। बेंचमार्क आप देख सकते हो कितना ज्यादा तगड़ा स्कोर कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस की बात जो है वो बहुत ही तगड़ी होगी इस फोन के अंदर। बाकी इस फोन में गाइस बैटरी की बात करें ना 4800mAh की इसके अंदर बैटरी देखने के लिए मिलने वाली है। 120W की आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने के लिए मिलने वाली है, तो बैटरी जो इस बार थोड़ी सी इंप्रूव और की गई है। 120W की आपकी फास्ट चार्जिंग देखने मिलने वाली है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी चार्जिंग के मामले में भी। एंड गाइस ये फोन जो है बहुत ही जल्दी इंडिया के अंदर भी लॉन्च हो जाएगा, तो जैसे ही लॉन्च वगैरह की डेट आएगी, अभी तो ऐसा कुछ ऑफिशियल अनाउंस वगैरह नहीं हुआ है डेट वगैरह का, जैसे ही हो जाएगा सब कुछ आपको इस चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब कर देना, आगे वाली अपडेट्स भी आप तक बहुत जल्दी आ जाएंगी, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।